Assalamualaikum everyone, how are you all? This is Ikra here and welcome to the Javed Publishers. और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं 5 plus English book. So let's get started. चलिए डिस्कस करते हैं आपका पेज नंबर 21 और इसमें है यूज ऑफ यू आर. हम यू आर कब यूज करते हैं? जब हम किसी से मुखातिब होते हैं, जैसे कि आपके पिक्चर में बना हुआ है बॉय एंड गर्ल. सो यू आर अली, यू आर अ बॉय, तुम अली हो, तुम एक लड़के हो. यू आर 7 ईयर्स ओल्ड, यू आर माई ब्रदर, यू आर एल्डर टू मी, यू आर अ टॉल बॉय, यू आर एन ओबीडियंट बॉय. डियर स्टूडेंट्स, वॉट वी हैव लर्न इन दिस वीडियो, वी हैव लर्न अबाउट द यूज ऑफ यू आर. हम यू आर कहाँ यूज करते हैं? जब हम किसी से मुखातिब होते हैं, यानी कि अपने सामने वाले से मुखातिब होते हैं, तो हम यूज करते हैं यू आर. जैसे कि हमने पढ़ा कि यू आर अली, तुम अली हो. यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो. यू आर 7 ईयर्स ओल्ड, तुम 7 साल के हो. तो आपने इसी तरह अपने किसी फ्रेंड को डिस्कस करना है और उसको बताना है कि यू आर माई फ्रेंड, यू आर 7 ईयर्स ओल्ड, यू आर माई नेबर. आपने अपने फ्रेंड को इस तरह मुखातिब करना है और उनको बताना है. डियर टीचर्स, अब आपने क्या करना है, बच्चों को यू आर की प्रैक्टिस करवानी है. आप उनसे वर्बली भी प्रैक्टिस करवा सकते हैं एंड थ्रू बोर्ड भी करवा सकते हैं. आप बच्चों से बताइए, आप रोल प्ले करवाइए और कहेंगे दो बच्चे आपस से मुखातिब हैं कि यू आर दिस, तुम यू आर रीडिंग इन दिस क्लास, तुम इस क्लास में पढ़ते हो, यू आर बॉय, यू आर गर्ल. तो यू का कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर हो जाएगा. उसके साथ साथ आप बोर्ड पे भी यू आर से रिलेटेड सेंटेंसेस लिखिए और बच्चों को और अच्छी तरह एक्सप्लेन करें कि हम यू आर किस लिए यूज़ करते हैं. सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू हैव लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ यू आर. सो कीप लविंग, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड स्टे कनेक्टेड विद बोलती किताबें.